जब खरीदारी की राय और जी खरीदारी करनी है एक बैंक में, और वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 42.50 रुपए के आसपास है जे एन के बैंक। यहाँ पर मुझे याद है कि इस स्टॉक को हम 22-23-24 रुपए से लगातार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी इस स्टॉक में बहुत अपसाइड है। दो तीन बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। मेरे ख्याल से बुक वैल्यू से आधे से कम पर ट्रेड कर रहा है अभी भी ये स्टॉक, यानी कि वैल्यूशन के लिहाज से काफी सस्ता है। पहली चीज तो ये कि लगभग आधे से नहीं ज्यादा है, 56 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू और 45 के आसपास है, तो 0.7-0.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था, बुक वैल्यू से नीचे है। फॉरवर्ड भी मल्टीपल पर मुश्किल से 5 के मल्टीपल पर, अभी के मल्टीपल पर 7 के मल्टीपल पर होगा। हाल ही में बोर्ड ने अनाउंस किया कि 1,000 करोड़ का कैपिटल रेस करने की तैयारी में, तो कैपिटल आने के बाद थोड़ा आपके पास वो स्कोप बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि सरकार का फोकस, केंद्र सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर पे डेवलपमेंट पे जबरदस्त है, और पिछले काफी समय में बहुत काम हुआ है वहां पर, और आगे बहुत होने की तैयारी में अगले 2-3 सालों में, तो वहां का जो डेवलपमेंट होगा वो इस बैंक को सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से जम्मू कश्मीर में मोनोपोली बिजनेस है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। और वो ट्रैक पर आता दिख रहा है, कैपिटल है, मुझे लगता है ये बैंक यहाँ से दुगुना होने की ताकत, दुगुना होने की ताकत, यस, यहाँ से भी ऑलरेडी दुगुना हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से भी। 27 अप्रैल SIP स्टॉक 23 रुपए के भाव, 27 अप्रैल को दिया ना 23 रुपए में, और तब भी किसी को भरोसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर बैंक भी ऐसा हो सकता है, अभी भी किसी को नहीं होगा। तो दीप इसके टारगेट रखिए 55 रुपए का छोटा जी, 70 रुपए का बड़ा, और 90 रुपए मीडियम और 90 रुपए का बड़ा, तीन टारगेट 55, 70 और 90, तीन टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ये स्टॉप लॉस वाला इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। अगर 20-25% किसी वजह से बाजार के मूड माहौल के हिसाब से नीचे आएगा तो और एड कीजिएगा, या अभी आप नोट करके रख लीजिए, जरूरी तो है नहीं कि आज का आज लेना है, जब भी आपको लगे कि बाजार का मूड माहौल बीच में कभी खराब हो, आपको थोड़ा सस्ता मिले तब लीजिएगा जम्मू कश्मीर बैंक। और जम्मू कश्मीर बैंक मेरा साथ हमेशा दिया है रिकमेंड करने में सुमित जी ने, तो सुमित जी ने भी इसको 50 तक लाने में उनकी कैटेगरी के बाहर अभी तक निकला नहीं है। सुमित जी आपकी कैटेगरी के बाहर निकलेगा ये? बहुत जल्दी निकलेगा अनिल जी, बहुत जल्दी इसमें ब्रेकआउट आएगा। स्टॉक पिछले लास्ट 2-3 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ही 44 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो 50 के पार होगा। 44 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही 50 से 55 रुपए तक के टारगेट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में होंगे, और फिर पोजिशनली जो आप बता रहे हो वो वैसे का वैसे ही मूव दिखाएगा। मेरे ख्याल से स्टॉक के अंदर बाय करें और होल्ड करें, और जिन्होंने पहले से ले रखा है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और आने वाली रैली को एंजॉय करें, आने वाले रैली को एंजॉय करें। टेक्निकली भी बढ़िया लग रहा है, और फंडामेंटली तो अनिल जी कह रहे हैं ऑलरेडी अप्रैल से अब तक देखें, जब SIP स्टॉक में बात कर रही थी तो स्टॉक डबल हो गया है, अब यहां से और डबल होने की क्षमता रखता है। एक साल आराम से खरीदिए, डिप पे मिले और ऐड करिए, यह है अनिल जी की सलाह जे एन के बैंक।